लेखक जावेद अख्तर और गुलजार का बेहद प्यारा वीडियो सामने आया है, जहां गुलजार साहब कुछ दिलचस्प किस्से शेयर करते नजर आए। उन्होंने जावेद अख्तर की टांग खींचते हुए एक किस्सा सुनाया। आपने तो लिख दिया, एक लड़की से मिला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब वो हर अंतरे में मुझे लगता है ये दूसरी लड़की है, ये वो पहली वाली नहीं। जितनी बार वो अपनी तस्वीर बदलते हैं, ये तो कोई और लड़की है, तो हर बार लगता है। और जो वो आपने कि जिंदगी धूप तुम घना साया, तब तक तो ठीक लग रहा था मुझे, मैं लग रहा था कहीं वाकई सही, बड़े सीरियस हैं आपसी घर की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या अब घर की है या बाहर की है वो तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जब एक लड़की को देखा तो ये महसूस हुआ मुझे कि आप, बहरहाल अब सारी बातें क्यों कही जाए। और लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता था कि ये कैसे हुआ, या पहला हिस्सा आप बता देंगे या दूसरा हिस्सा आप बता दीजिएगा। एक लड़की को मैं भी मिला था, एक लड़की को मैं भी मिला था, बड़ा अच्छा लगा मिलकर। मेरी मद्दा थी, एक फैन थी मेरी, वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी, मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे सेल्फी भी ले ली, गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई, वो मेरा नाम ना था। गई तो नाम लेकर वो मेरा नाम ना था। हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है। वहीं जावेद अख्तर ने बताया कि कई बार लोग उन्हें गुलजार साहब समझ लेते हैं और फिर अपनी आप बीती सुनाई। मैं एयरपोर्ट पे, मैं और शबाना कहीं से आए, उस जमाने में जेट एयरवेज चल रही थी ठीक से, तो जेट एयरवेज की लड़कियों ने कहा कि आप दोनों बैठिए, हम आपका सामान ले आते हैं। तो हम दोनों एक बेंच पे बैठ गए। अब मेरे बराबर बैठी शबाना, उन्होंने शबाना को नोट लिया के साथ तशरीफ लाए यहाँ 2 फीट पर, मुझे देखा, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा जी आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा वो जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया। तो वो ज़रा कंफ्यूज हुआ कि इतना बड़ा आदमी जावेद अख्तर को रिसीव कर रहा है। तो कि आप जावेद अख्तर को रिसीव करने आए? मैं हमेशा आता हूँ। जावेद अख्तर साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव करूँ। तो उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का और ये जावेद अख्तर को लेने आया। अच्छा चलता हूँ गुलजार साहब। बता दें, लेखक अरविंद मंडलोई द्वारा लेखक गीतकार जावेद अख्तर की जिंदगी पर लिखी गई किताब जादूनामा का सोमवार को विमोचन किया गया। जादूनामा अख्तर के सार्वजनिक भाषणों, इंटरव्यू और बयानों का कलेक्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लोकमत हिंदी।